हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और स्वागत है आप सभी लोग का हमारे ब्लॉग चैनल घुमक्कर में। सो गाइस, मैं हूं अभी राजगीर रेलवे स्टेशन के पास और हम लोग आज यहां से जाने वाले हैं राजगीर जू सफारी। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं राजगीर जू सफारी का पूरा डिटेल और किस तरह से हम लोग टिकट बुक करते हैं, ऑफलाइन टिकट ऑनलाइन टिकट दोनों तरह की टिकटें बुक करने की आपको मैं इसमें प्रोसेस बताने वाला हूँ। यहाँ पर सामने करता है ऑफलाइन टिकट, इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपको अर्ली मॉर्निंग ही आके लेना पड़ेगा, अभी भी लोग ले रहे हैं तो आप यहां से ऑफलाइन टिकट भी ले सकते हैं और अगर चाहें तो ऑनलाइन टिकट भी आप घर बैठे बुक कर सकते हैं। तो जिसकी जानकारी आपको अभी वीडियो में मिलने वाली है तो वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे मिलते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ स्टेप करके आप अपना राजगीर जू सफारी का टिकट बुक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर के होम स्क्रीन पे, और अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल पे डेस्कटॉप मोड ऑन करना नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले आपको राजगीर सफारी टिकट गूगल पे सर्च कर लेना है और जो सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे लिंक, उसे आप क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुल जाता है। इसमें यहाँ पर आपको होम, अबाउट अस, अट्रैक्शन, बायोडाइवर्सिटी, नोटिस एंड टेंडर्स, कॉन्टैक्ट अस और यहाँ पे बगल में आपको दिख रहा होगा बुक योर सफारी, लेकिन जो पेज खुलता है ये बुक ऑनलाइन टिकट का ही पेज खुलता है। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा नंबर ऑफ एडल्ट्स, तो अगर आप एक आदमी जा रहे हैं, दो, तीन, चार, जितने भी आदमी जा रहे हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर नाम और मोबाइल नंबर, अगर आपके साथ बच्चे जा रहे हैं तो उनका भी आप एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं और अगर नहीं जा रहे हैं तो उसको यहाँ पे जीरो ही रहने दें। और यहाँ पे आप अपना ईमेल जो भी है आपका वो आप दे सकते हैं। देन फ़ोन नंबर वापस से मांग रहा है तो फ़ोन नंबर फिर से दे देते हैं। ओके, अब यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन सेलेक्ट पैकेज सफारी टिकट, तो यहाँ पर ये टिकट है ही। और इसी के साथ आपको यहाँ पे दे रहा है आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर और वोटर आईडी कार्ड, तो जो भी आपके पास उपलब्ध है आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड भी दे सकते हैं और वोटर आईडी भी दे सकते हैं। चलिए हम लोग अपना आधार कार्ड नंबर इसमें डालते हैं। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद फिर से यहाँ पर पूछ रहा है नंबर ऑफ इन्फेंट, यानी कि आपके साथ कितने बच्चे जा रहे हैं, तो उनकी संख्या देनी होगी। अगर नहीं जा रहे हैं तो यहाँ पर आप खाली छोड़ देंगे, जीरो कर देंगे। एक बात यहाँ पे देखने वाली है कि बुकिंग आर अलाउ फॉर ओनली 7 डेज फ्रॉम करेंट डेज, विजिटिंग डेट कैन नॉट बी चेंज, तो विजिटिंग डेट चेंज नहीं होगा। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे डालते हैं विजिटिंग डेट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कैलेंडर खुल जाता है, तो इसमें आप अपना डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे कल जाना है संडे को, तो मैंने यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर दिया है। और विजिटिंग टाइम स्लॉट, आपको किस टाइम में जाना है, तो यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं, कोई सा भी टाइम आप दे सकते हैं। ये 8 बजे सुबह से लेकर के 3 बजे शाम तक की है, तो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो किसी भी टाइम में भी आप देख सकते हैं टाइम स्लॉट अपना। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा 12 से 1 बजे तक का। उसी के साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं, हैव यू टेकन द वैक्सीनेशन, यू हैव बीन गिवन द वैक्सीन, नंबर ऑफ डोजेस टेकन बाय यू, डिड यू हैव इन द पास्ट 3 मंथ और आफ्टर टेकिंग द शॉट, तो ये सारी चीज़ें पूछी आती हैं, तो इसमें आप यस कर देंगे। अब आगे आते हैं आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बुक नाउ पे। तो जैसे हम लोग बुक नाउ करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है आपके सामने मेक योर पेमेंट का ऑप्शन, जो कि है 250 रुपये का। सफारी प्रवेश शुल्क 100 रुपया और जू सफारी भ्रमण शुल्क 100 रुपया, यानी कि दोनों मिलाकर 250 रुपये हो गया। अगर आप ऑनलाइन टिकट परचेस करते हैं, टिकट बुक करते हैं, तो उसमें आपको 250 रुपये ही पे करना पड़ता है, जिसमें 100 रुपया सफारी प्रवेश शुल्क का और 150 रुपया जू सफारी भ्रमण शुल्क का। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो सामने आपको ये पेज खुलता है पेमेंट ऑप्शन का। तो चलिए हम लोग अब पेमेंट करते हैं। यहाँ पे आप अपना कार्ड डिटेल्स, एक्सपायरी मंथ, ईयर, CVV नंबर और कार्ड होल्डर का नाम, ये सब आप फिल करते हैं। तो फिल करने के साथ साथ आप यहाँ जैसे ही यहाँ पे पे नाउ करते हैं तो आपका टिकट हो जाता है बुक। तो अब हम लोग यहाँ पे पेमेंट डिटेल डालते हैं, कार्ड नंबर, ओके, एंड देन पे नाउ। तो आप यहाँ पे जो भी OTP आपका आया है वो आप यहाँ पे डाल दें और सबमिट कर दें।
तो जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आपका टिकट शो कर देता है, वी हैव ऑल्सो सेंड टिकट ऑन योर ईमेल। ये जो टिकट है वो आपके ईमेल पे, जो भी आपने ईमेल दे रखा है आपके ईमेल पे भी जाता है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये टिकट आपका हो गया है वो। गाइस इस तरह से आप कर सकते हैं अपना टिकट राजगीर जू सफारी का। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, कहीं भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आप वीडियो के माध्यम से अपना टिकट इजली बुक कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को अब यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग यूँ हंसते रहिए, खुश रहिए।